महाराष्ट्र में डॉक्टर्स का हड़ताल अब शुरू हो गया है। सरकार मांगे पूरी नहीं कर रही है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स इस बढ़ते कोरोना के बीच भी हड़ताल करने पर मजबूर है। महाराष्ट्र में डॉक्टर्स आज डॉक्टरों की हड़ताल शुरू हो गई है। महाराष्ट्र डॉक्टरों ने कहा है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई इसलिए हम हड़ताल करने पर मजबूर हैं। डॉक्टरों की मांग है कि सीनियर रेजिडेंट पद पर नई जगहों को भरा जाए, DA-7 पे कमीशन के आधार पर हो, सरकार द्वारा कोविड सर्विस एरियर का वादा पूरा किया जाए। महाराष्ट्र के 5000 रेजिडेंट डॉक्टरों ने आज से सामूहिक हड़ताल पर रहेंगे। मुंबई के 4 BMC हॉस्पिटल सायन, नायर, कूपर, किम समेत पूरे महाराष्ट्र के MARD रेजिडेंट डॉक्टर भी हड़ताल पर हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अपर्याप्त सुविधाओं, जीर्ण शीर्ण हॉस्टल में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना, एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों को तत्काल भरा जाए, महंगाई भत्ता तत्काल दिया जाए, सभी रेजिडेंट डॉक्टरों को समान वेतन लागू किया जाए, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के वेतन में असमानता को दूर किया जाए, इन सभी मांगों को लेकर आज मुंबई के सभी डॉक्टर हड़ताल पर निकले हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सभी डॉक्टर आज आपको हॉस्पिटल में नहीं बल्कि सड़कों पर नजर आ रहे हैं। देखिए डॉक्टरों मीडिया मेट्रो मुंबई से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा है। हमारी नेक्स्ट मांग ये है कि जो कोविड में नायर हॉस्पिटल के रेसिडेंट्स ने जो काम किया है उनका जो कोविड भत्ता होता है जो उनको प्राप्त होना चाहिए था, वो 10 महीने से पेंडिंग है, तो वो जल्द से जल्द उन्हें प्राप्त हो। और हर साल नए रेसिडेंट्स एडमिशन लेते हैं उनके लिए जो हॉस्टल की फैसिलिटीज़ है वो प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है। एक रूम में मिनिमम 3 से 4 लोग एडजस्ट कर रहे हैं, तो हॉस्टल की प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रॉपरली अवेलेबल हो, और ये मांगे हमारी जल्द से जल्द पूरी हो, यही हमारा ये। इस तरीके से आपने बताया कि हॉस्टल में वो सुविधाएँ नहीं हैं, तो इसे लेकर आपने शिकायत दर्ज कराई? हाँ, हमने शिकायतें दर्ज कराई है बट कहीं से भी जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और चेंज हुआ नहीं, इसलिए हमको स्ट्राइक पे आना पड़ा है। मेरा नाम डॉक्टर प्रीतेश तुंगार है, मैं यहाँ पे निवासी डॉक्टरों का प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ पे खड़ा हूँ। हम सारे लोग आज स्ट्राइक पे गए हैं, ये कोई नई मांगे नहीं है, ये सारी पुरानी मांगे साल भर से अकोमोडेट होके इधर आई है। गवर्नमेंट से हमको प्रॉपरली रिस्पांस नहीं मिला इसलिए हम लोगों को स्ट्राइक पे जाना पड़ा। जो जैसे कि मेरे साथी दोस्तों ने बताया वो सारी हमारी डिमांड है। उसके अलावा भी हमको हमारे जो सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर रहते हैं उनको 2 साल का बॉन्ड करना पड़ता है, जिसको घटा करके 1 साल का किया जाए, ये हमारी मांग है। उसके अलावा जो हमारे प्राध्यापक रहते हैं उनकी पोस्ट बहुत सारी खाली है, तो उनकी पोस्ट भी बराबर से भरी जाए, ये सब हमारी मांगे हैं। अगर हमारी मांगे टाइम पे गवर्नमेंट अच्छे से रिस्पांस नहीं देता है तो हमारा स्ट्राइक जारी रहेगा। आपको नहीं लगता कि स्ट्राइक की वजह से कई पेशेंटों को भी दिक्कतें हो सकती हैं? हमारी जो इमरजेंसी सर्विसेज है वो कंटिन्यू है, वहाँ पे हमारे डॉक्टर काम कर रहे हैं। पेशेंट को किसी भी तरह की दिक्कत आए ये हमारी चाह नहीं है, ये गवर्नमेंट की भी चाह नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम उनको प्रॉपरली चैनल के थ्रू जाने के बाद भी हमारी वो रिस्पांस नहीं दे रहे थे, इसलिए हमें ये कठोर कदम उठाना पड़ा। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य पॉइंट ऑफ आउटब्रेक जो है वो नायर हॉस्पिटल में है, क्योंकि वहाँ की जो डिमांड है वो ज़्यादा है, मतलब सब हमारी लोगों की डिमांड पूरे महाराष्ट्र भर में आज से स्ट्राइक चालू हुआ है। तो अभी फिलहाल जैसे सायन हॉस्पिटल है, केम हॉस्पिटल है, नायर में सभी जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कोविड के दौरान भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आपको तकलीफें झेलनी पड़ी थी, उसे लेकर आपकी क्या राय है? कोविड के दौरान डॉक्टरों ने तो खुद की जान की परवाह किए बिना सब लोगों ने अपनी जान झोंक के बहुत अच्छे से काम किया, जिसकी वजह से ही हम वो कोविड से छुटकारा पा सके। लेकिन अभी भी कोविड वापस आ सकता है, कोविड गया नहीं है, तो हम डॉक्टरों का इम्पोर्टेंस सबको जानना चाहिए कि वो अगर इतना आपके लिए कर रहे हैं तो वो आपने देखना चाहिए हॉस्टल में कैसी हालत में डॉक्टर रहते हैं, 2-2, 3-3 से ज़्यादा, मतलब कम से कम 3 लोग तो एक रूम में रहते हैं, रूम भी छोटी होते हैं, कॉमन वॉशरूम रहता है, वहाँ पे पानी की दिक्कतें आती है, SR और SMOs को तो हमको बाहर अकोमोडेट करना पड़ता है, वहाँ पे किसी को भी कोई भी डॉक्टर संतुष्ट नहीं है इन सारी सेवाएं जो गवर्नमेंट दे रहा है उसके। जी हम यहाँ पे आज इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जो SR की सीट होती है सीनियर रेसिडेंट, उसकी जो सीट्स बढ़ जाए, टोटल 1432 सीट्स वैकेंट है, हम तो वो चाहते हैं कि ये जो 1432 सीट बढ़ जाए, एक हमारी ये डिमांड है। और दूसरी हमारी डिमांड ये है
कि आज की महंगाई देखते हुए आज जो हमको स्टेप में मिल रहा है हमको बस नहीं होता है, तो हम गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि जो महंगाई भत्ता होता है जिसको हिंदी में महंगाई भत्ता है वो हमको मिले, और जो कि 2018 से जे आ रहा है कि 2018 से मिलना चाहिए बट अब तक जे आ रही है हमको कुछ मिला नहीं है। बाकी का तो जिस तरीके से ओपीडी आप इमरजेंसी जो कैजुअलिटी पेशेंट हैं वो आज के दिन आ रहे हैं उनको कहीं कहीं इमरजेंसी सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं, आप इस तरह की नहीं जो बहुत ज़्यादा इसेंशियल है जैसा कैजुअलिटी है और MICU है वहाँ के डॉक्टर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं अभी भी, बट जो ज़्यादा इसेंशियल नहीं है वो लोग यहीं पे अवेलेबल है, बाकी लोग जो इसेंशियल चीज़ें हैं उसके लिए डॉक्टर अभी हॉस्पिटल में अवेलेबल है। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो आप क्या करेंगे? तो हम वापस से करेंगे, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें अभी पूरा कर दे वरना हमें बार बार ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, और हो सकता है फिर नेक्स्ट टाइम से जो बाकी डॉक्टर्स है वो भी इधर आ जाए, पूरा हॉस्पिटल ही बाहर है, तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये हमारा पूरा कर दिया जाए। तो आज सभी डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, आपको बता दें कि उनकी मांग है कि डॉक्टरों के खाली पदों को भरा जाए और 2018 से जो लंबित बकाया है उसे पूरा किया जाए। डॉक्टरों ने आगे कहा कि उनकी मांग अगर पूरी नहीं हुई तो हड़ताल फिर करेंगे और उनकी मांगे सरकार पूरी नहीं कर रही है, जिसको लेकर सभी डॉक्टर मजबूर हैं और आज उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, और इसका पूरा असर सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल में इलाज करवाने आए मरीजों पर पड़ रहा है। तो सरकार जितनी जल्दी इनके मांगों को स्वीकार कर ले उतना अच्छा है और ये सभी डॉक्टर वापस अपने काम पर लौट सके। एक बार फिर से कोरोना की लहर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, लोग रोज नए मामले सामने आ रहे हैं और ऐसे में डॉक्टरों का हड़ताल पर रहना किसी भी तरीके से एक राज्य के लिए, राज्य के स्वास्थ्य के लिए ये ठीक नहीं है।